नमस्कार सभी को और स्वागत है आप सभी का फिर से द नीलांचल क्लासेस में। मैं राहुल लेके आया हूँ आपको आज एक नई क्लास पाइप और टंकी की। ये टॉपिक हमारा पहले दो तीन क्लासें हो चुकी हैं, पर आज इस क्लास में इस टॉपिक का एक नया टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। टाइप है अल्टरनेट पैटर्न या वारी वारी से जब दो पाइपों को खोला जाए। जैसे टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा था कि दो व्यक्ति किसी काम को करने का ठेका लेते हैं और वो तय करते हैं कि एक दिन काम ए करेगा एक दिन बी करेगा। तो सेम एज इट इज वही प्रोसेस है। इसमें क्या है कि दो पाइप हैं, एक पाइप को पहले घंटे खोला जाता है, दूसरे पाइप को दूसरे घंटे खोला जाता है। इसी प्रकार दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं जब तक कि टंकी पूरी भर ना जाए। तो आज इस पैटर्न पे हम सवाल करेंगे और आज का पहला सवाल है, मैं सवाल बोल रहा हूं आपको कि पाइप ए एक टैंक को चार घंटे में भर देता है। एक मेरा पाइप है ए, वो किसी टैंक को चार घंटे में भर देता है और एक दूसरा पाइप बी उसी टैंक को छह घंटे में भर देता है। उसी टैंक को कितने? छह घंटे में भर देता है। यदि उन्हें एक एक घंटे वारी वारी से खोला जाए और पाइप ए को पहले खोला जाए, पाइप ए को पहले खोला जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल को। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक पाइप ए है, पाइप ए जो किसी टैंक को भर सकता है चार घंटे के अंदर, चार घंटे में पूरा फिल कर देगा, पूरा भर देगा। जबकि एक दूसरा पाइप है बी जो उसी टैंक को पूरा भर सकता है छह घंटे में। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता था कि टैंक की क्षमता निकाल लें या धारिता। अब टैंक की धारिता कैसे निकालते हैं कि भाई इन दोनों का क्या लेते हैं एलसीएम, तो छह और चार का एलसीएम आप क्या ले सकते हैं 12। तो आपने मान लिया आपका टैंक कितने लीटर का है 12 लीटर का, कितने लीटर 12 लीटर। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको पाइप की क्षमता। तो पहले पाइप की क्षमता कैसे निकालेंगे, देखो क्षमता ऐसे निकालते थे ना, क्षमता का मतलब कि पाइप टैंक की कैपेसिटी डिवाइड टाइम चार घंटे। तो पाइप ए की क्षमता कितनी आ गई 3 लीटर पर आवर, 3 लीटर पर आवर। अब ऐसे बी की निकालो तो 6 दुनी 12, ये आ गई क्षमता पाइप की, दोनों पाइप की क्षमता आ गई। अब हमसे बोला गया है ये क्वेश्चन में कि दोनों पाइप को एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए और पाइप ए से प्रारंभ किया जाए, मतलब शुरुआत कहां से हो, पाइप ए से शुरुआत हो। तो एक बात बताओ, सबसे पहले पाइप को ए को खोला जाएगा, फिर किसको खोला जाएगा बी को, फिर इसी क्रम में आगे ए, इसी क्रम में आगे बी, और ऐसे ही ये प्रोसेस कब तक चलेगा जब तक टैंक पूरा ना भर जाए। तो एक बात बताना, ये पहले घंटे में, ये पहले घंटे में ए चला, दूसरे घंटे में कौन चला बी, तो यहां से यहां तक लेकर एक पूरा साइकिल बन गया कितने घंटे का 2 घंटे का। इसका मतलब 2 घंटे में कौन कौन मिलकर, ए और बी मिलकर कितना पानी भर देंगे, ए और बी मिलकर 2 घंटे में ए और बी मिलकर कितना अपनी अपनी क्षमता 3 और 2 5, तो दोनों कितना भरेंगे 5 लीटर, कितना 5 लीटर। अब एक बात बताओ टंकी हमारी कितने लीटर की है 12 लीटर की। तो मैंने ये बताया था इस तरीके का सब सवाल आ जाए तो क्या करना है भाई 12 लीटर भरना है और 2 घंटे में हम 5 लीटर भर रहे हैं, तो इधर आप मल्टीप्लाई करें 2 से, इधर मल्टीप्लाई करें आप 2 से, तो कितना हो गया 2 दुनी 4, 2 दुनी 4, 4 घंटे में कितने लीटर पानी भर गया 10 लीटर। चलिए अभी हमें भरना कितना है, भरना है हमें कितना 12 लीटर। तो अभी शेष कितना बचा है, शेष बचा अभी हमारा 2 लीटर। तो इसके आगे नंबर किसका आएगा पाइप ए का, ए पाइप कितना भरता है एक घंटे में 3 लीटर, और जबकि भरना कितना है 2 लीटर। तो टाइम कितना लग जाएगा, यहां पे टाइम लग जाएगा, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई बचा कितना 2 लीटर और ए का नंबर है, तो इस 2 लीटर को 3 की क्षमता से भर देगा हमारा, तो कितने घंटे लगेंगे 2/3 घंटे। तो इस पाइप को टैंक को भरने में टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम देखो 4 घंटे तो हो गए ये प्लस 2/3 हो गई ये, तो टोटल टाइम कितना हो गया 4/2/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया सवाल का आंसर 4/2/3।
3 आवर इतने घंटे में लेगा ये वारी वारी से अगर काम करें पाइप भरने में। चलो देखो इसको एक करने का और तरीका ये है कि जैसे आप यहां कर रहे हैं ना, तो एक तरीका ये है, यहां पे बता देता हूं छोटा सा, इसे भी याद रखेंगे कि हम क्या करते हैं, जितनी टैंक भरा है कैपेसिटी 12 लीटर है, अब इसमें क्या करूंगा मैं 3 और 2 5, 5 से भाग दूंगा, कितनी बार 5 × 10 दो बार गया 10 लीटर भर गया, अभी कितना लीटर से इसे भरना 2 लीटर, अब यहां पे 2 आया ना, तो जितने कैंडिडेट होते हैं 2 ही लोग हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 तो इसका मतलब 4 घंटे में 10 लीटर भर गया, बचा कितना 2 लीटर और भरना, तो अब नंबर किसका है ए का, तो अब ए जाएगा 2 लीटर को भरेगा तो कितना टाइम, यही तो टाइम लगेगा ये, तो इस टाइम को और ऐड कर दो इसमें, तो इस टाइम को ऐड करेंगे तो कितना 2/3, तो इस प्रकार 4 से ही 2/3 आवर आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं आप, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये है वारी वारी से, देखो यहां वारी वारी आप लिख सकते हैं क्योंकि ए घंटे पहले ए चला फिर बी चला फिर ए फिर बी, और यही साइकिल चलती रहेगी कब तक, जब तक पूरा टैंक भर ना जाए। तो हम क्या करते हैं इसमें एक साइकिल कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल बन गई, क्योंकि फिर यहां से शुरुआत से शुरू हो गया, तो एक साइकिल का मतलब पहला घंटा और ये क्या दूसरा घंटा, तो इसका मतलब कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, और 2 घंटे में दोनों मिलकर कितना भर देंगे 5 लीटर। ठीक है, इस प्रकार जो, चलिए इसी टाइप का एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वारी वारी पर ही आधारित। चलो दूसरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा चेंज रहेगा पर टाइप इसका यही है वारी वारी का, क्या है कि 3 नल ए और बी, 3 नल है ए और बी, क्रमशः एक टैंक को 12 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, मतलब 12 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, जो नल ए है वो क्या रहे पूरे समय खुला रहे, तथा बी और सी वारी वारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखो इसका मतलब क्या है कि नल ए बी सी 3 नल है, ए बी और सी किसी टैंक को क्रमशः भर सकते हैं, ये तो लेगा 12 घंटे भरने में पूरा, ये लेगा 15 घंटे पूरा और ये लेगा 20 घंटे, तो पहले भाई वही काम कर लो तो हर सवाल में करना पड़ता है, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 60 लीटर, कैपेसिटी निकाली टैंक की, क्षमता निकाल लो, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 = 60, ये यहां तक पहुंच गया आपने, क्षमता निकाली, हर सवाल में इतना तो करना ही पड़ता है। ठीक है, क्षमताएं निकाल ली आपने, अब पढ़े कंडीशन सवाल की क्या है कि ए पाइप को हमेशा खुला रहना है, ए पाइप सदैव खुला रहता है, बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले घंटे में ए और बी खुलेगा, दूसरे घंटे में ए और सी खुलेगा, फिर नेक्स्ट जो जाएगा फिर ये, यही तो क्रम चलता रहेगा। अब इसमें देखना भाई, पहला घंटा ये है, ठीक है, दूसरा घंटा ये है, थर्ड ये है, अब ये क्रम चल रहा है ऐसे ऐसे कब तक, जब तक टैंक पूरा ना भर जाए। अब जो कंडीशन क्या थी सवाल की कि ए पाइप तो सदैव खुला रहे, बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाए, तो देखना बी खुल गया फिर सी फिर बी और फिर सी, तो एक जो साइकिल आपकी कवर हो रही है कहां तक, यहां तक, ये एक साइकिल कवर हो रही है, कितने घंटे की, पहला घंटा ये और ये दूसरा, तो आप कह सकते हो 2 घंटे में ए कितनी बार गया 2 बार, बी कितनी बार गया 1 बार और सी कितनी बार गया 1 बार, अब बताओ कितना पानी भर देंगे ये, 2 बार गया ये, 1 बार में तो भरता 500, 2 बार में कितना भरेगा 10, बी गया 1 बार 4, 1 बार सी गया 3, तो टोटल कितना हो गया 17, 2 घंटे में सबने मिलकर कितने लीटर पानी भरा 17 लीटर और टंकी कितने की भाई 60 लीटर की, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा ये तो बताना है, एक बार बताना
अगर इधर तीन से मल्टीप्लाई कर दें, तीन से मल्टीप्लाई, तीन दूनी छह, छह घंटे में कितना पानी भर गया, 51 लीटर, 17 दिया 51 लीटर। पर टंकी तो अभी शेष है कितने, 60 लीटर की थी, 51 भर पाएगा कि 6 घंटे में, तो अभी 9 लीटर भरना है, तो 9 लीटर भरेंगे तो भारी किसकी आएगी आपके इस बार जाने की, ए प्लस बी की। और जबकि ए प्लस बी कितना भरते हैं एक बार में, देखना 5 और 4 9, 9 लीटर भरते हैं, तो इस अगले घंटे में दोनों 9 लीटर भर देंगे और टंकी आपकी हो जाएगी फुल, और टोटल टाइम कितना, 6 घंटे ये और 1 घंटे ये, तो इस पूरी टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा, फिर टोटल टाइम लगेगा भाई आपका 7 घंटा। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है, टोटल लगेंगे 7 घंटे, 2 घंटे में मिलकर 17 लीटर भरते हैं, तो 6 घंटे में भरेंगे 51 लीटर। और अगली जो बारी आएगी जाने की, वो बारी किसकी होगी, ए और बी की, और ए और बी 1 घंटे में कितना भर देते हैं, ए और बी 1 घंटे में भरते हैं 9 लीटर, तो अगले 7वें घंटे में, कौन से घंटे में, 7वें घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, ठीक है, आंसर होगा इसका 7 लीटर। तो इस प्रकार बारी वाली से जो सवाल आते हैं आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, बस आपको आना चाहिए इसका पैटर्न के कैसे करना है सवाल को। चलो आप सवाल करते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में आपने सवाल की ना, तो काम छोड़ने वाले, ऐसे ही इसमें है कि उसमें क्या था, दो तरीके के लोग थे, एक बाद में काम छोड़ते थे, एक पहले काम छोड़ते थे। अब इसमें भी क्या है कि भाई कोई नल 2 मिनट चलाया फिर बंद कर दिया, कोई नल क्या बंद करा जब टैंक भरने ही वाला था उससे 3 मिनट पहले बंद कर दिया, ठीक है, तो उस तरीके के सवाल देखेंगे। तो उसमें एक सवाल है बाद में बंद करने वाले का, सवाल यह है कि दो नल है पी और क्यू, दो नल पी और क्यू, पहला नल पी है दूसरा नल क्यू है, दोनों एक टंकी को क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। पी लेता है भरने में पूरे टैंक को कितने मिनट, 12, और जबकि क्यू कितने लेता है, 15 मिनट। अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नलों को टैंक में खोल दिया गया एक साथ, फिर कह रहा है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट बाद क्या हुआ, नल पी जो चल रहा था उसको हम क्या कर देते हैं, बंद। अब वो लास्ट में कह रहा है कि क्यू टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो देखो सवाल क्या है कि एक नल पी जो 12 मिनट में भर सकता था टैंक को, और एक नल दूसरा क्यू है जो कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, क्षमता निकालना, 12 और 15 का एलसीएम ले लो, वही क्षमता होगी 60 लीटर। टैंक की कैपेसिटी मान ली मैंने 60 लीटर की है, अब इनकी क्षमता निकाल लो, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। दोनों पाइप की क्षमता पता है, क्षमता का मतलब क्या है, पर मिनट दर, के 1 मिनट में कितना पानी पी और क्यू, तो पी तो भरता है 1 मिनट में 5 लीटर और क्यू कितना भरता है 1 मिनट में 4 लीटर। अब ये दोनों चीज पता चल गई, फिर कह रहा है कि दोनों नल को साथ खोला गया, पी और क्यू को एक साथ खोल दिया गया, कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। तो एक बात बताना, दोनों 3 मिनट में कितना पानी भर देते हैं, 5 × 4 = 9, 9, इसका मतलब कितना, 3 मिनट में 9 की क्षमता से 9 × 3 = 27 लीटर, कितना 27 लीटर भर देते। और इसके बाद पी पाइप को क्या कर देते हैं, बंद, पी पाइप को क्या कर देते हैं, बंद। तो अब देख लो टंकी 27 लीटर भर गई, तो अब मुझे बताना कितने लीटर खाली रहेगी, भाई 27 भर चुकी तो 27 में से खाली कितनी रह गई, खाली रह गई 33 लीटर। अब इस 33 लीटर को भरने का किसकी जिम्मेदारी है, क्यू की, जो पाइप रह गया, तो कह रहा है क्यू टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो एक बात बताना, जो क्यू पाइप है 33 लीटर जो बचा है उसको अपनी क्षमता से भरेगा, उसकी क्षमता कितनी है, 4 लीटर/मिनट, तो 4 लीटर/मिनट की क्षमता से कितना टाइम, ये अब इसको सही कर देंगे, 4 × 8 = 32, ठीक है, कितने बचे यहां पे, 1/4, तो इतने मिनट ले लेगा क्यू भरने, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 × 1/4 मिनट, ठीक है। देखो जो पाइप जितनी देर चलाना है उतनी उससे काम कराओ, बाकी बंद कर दो, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो गया 8 × 1/4 मिनट।
अब इसको सेकंड में भी चेंज कर सकते थे, पर जैसा आंसर दिया उस हिसाब से बनाएंगे। चलो अगला सवाल है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। मतलब दो पाइप, पहला पाइप 37.5 मिनट में और दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को खोल दिया गया, टंकी को ठीक आधा घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। दो पाइप है ए और बी, ए पाइप 37.5 मिनट में भर सकता है किसी भी टैंक को, जबकि पाइप बी उसी टैंक को कितने मिनट में भर देगा, 45 मिनट। तो भाई सबसे पहला काम क्या है कि हम एलसीएम ले लें। तो देखो 37.5 का मतलब क्या ले सकते हैं, 37 × 74 और 75/2, तो इसको 75/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 75/2 मिनट। अब बताओ एलसीएम क्या लेंगे आंसर इसका, 75 और 45 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 75 × 1.5 मतलब 225 आ जाएगा, इतने लीटर आ गया। अब इनकी क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता कैसे निकलेगी भाई, 75 से इसमें देंगे भाग, कितनी बार जाएगा, 3 बार और 3 × 6 तो ये हो गया भाई 6 क्षमता आ गई, और 45 से कितनी बार, 5 बार, 5 क्षमता आ गई। चलो क्षमताएं निकाल ली हमने, यहां तक हम पहुंच गए। अब क्षमता निकालने के बाद वो ये तो कह रहा है कि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, मतलब ए पाइप बी पाइप को खोल दिया गया। अब खोलने के बाद ये कह रहा है कि टंकी को ठीक आधा घंटे में भरने के लिए, मतलब टंकी को ठीक कितने घंटे में, 30 मिनट में, 30 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। तो एक बात बताओ भाई, पाइप मान लो यहां तक आधा घंटा है, तो पाइप बी की तो बात कर रहे हैं कि 30 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाइप ए है वो पूरा 30 मिनट तक चलेगा, कितने मिनट तक चलेगा पाइप ए, 30 मिनट तक। तो 30 मिनट तक अगर चला तो अपनी क्षमता से चला, 6 की क्षमता है तो 6 × 18 कितना लीटर पानी भरा, 180 लीटर। 180 लीटर अगर पानी भरा है तो 45 लीटर अभी बचा, तो ये 45 लीटर किसके हिस्से का पानी है, बी का। तो 45 लीटर भर के और बी पाइप क्या हो जाएगा, बंद। तो 45 लीटर का मतलब 5 की क्षमता से भरेगा, 5 की क्षमता से मतलब 9 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया 9 मिनट, कि पाइप बी को 9 मिनट चलने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। अगर टंकी को कितने देर में भरना है, 30 मिनट में भरना होगा। तो इस सवाल का आंसर आपका बन गया 9 मिनट। देखो सवाल अच्छा है और आसान भी है, उसने ये कहा कि दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को आधा घंटे में भरने के लिए, आधा घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। इसका मतलब यह है कि पाइप बी को बंद करने की बात कही गई है, तो इसका मतलब ए पाइप तो पूरे आधा घंटा चला ना, तो उसके आधे घंटे का काम कितना, 180 लीटर, 180 लीटर उसने भरा, बाकी किसने भरा, बी ने, और उतना ही बी भर के बंद हो गया। तो बी ने 45 लीटर भरा अपनी क्षमता से, तो कितने मिनट बाद बंद हो गया, 9 मिनट बाद बंद हो गया। तो यही पूछ रहा है कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा, तो 9 मिनट बाद, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए भाई अगला सवाल इसका यह है कि एक टंकी को दो नालियों ए तथा बी द्वारा क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरा जा सकता है। खाली टंकी भरने के लिए पहले दो नालियां खोल दी जाती हैं, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनट में भर जाती है। कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है, इस प्रकार टंकी कुल 18 मिनट में भर जाती है। इस प्रकार ए को कितने समय बाद बंद किया गया। चलिए सवाल यह है कि दो नल है या नालियां ए
ए किसी टैंक को भर सकता है 20 मिनट में, जबकि बी भर सकता है इसको 30 मिनट में। अब इन दोनों का पहले एलसीएम ही तो लेते हैं हम, एलसीएम लो कितना 60 लीटर, क्षमताएं निकालो 20 दिया 60, 30 दूनी 60, चलो क्षमताएं निकल गई। अब आगे कह रहा है कि दोनों नालियों को खोल दिया जाता है, दोनों नालियों को खोल दिया जाता है, कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है, इस प्रकार टंकी कुल 18 मिनट में भर जाती है। अब एक बात बताओ भाई, ए को बंद कर दिया गया, कुल टंकी 18 मिनट में भरी गई, तो यही तो पूछा गया कि ए को कितने समय बंद कितने समय बाद बंद किया गया। तो एक बात बताओ, बी को तो बोला ही नहीं कुछ, तो बी तो पूरा 18 मिनट तक चला, 18 मिनट तक चला तो कितने की क्षमता से चला, अपनी क्षमता से चला। अगर 18 मिनट अपनी क्षमता से चला तो कितने लीटर पानी भर गया, वो 36 लीटर पानी भर गया। तो 36 लीटर अगर पानी इसने भर दिया तो बचा कितना, 24 लीटर। और जो ए पाइप था वो 24 लीटर ही भरकर बंद हो गया, वही उसका बंद होने का समय। तो 24 लीटर को अपनी क्षमता से भरेगा ए, क्षमता कितनी है 3 लीटर बराबर, 3 लीटर पर मिनट। तो इससे अगर भाग देंगे 3 × 8 = 24, तो हमें समय मिल गया कि ए को कितने समय बाद बंद किया गया, ए को केवल ही 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया, कितने मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 8 मिनट, ठीक है। इस सवाल का आंसर हो गया 8 मिनट कि ए को कितने समय बाद बंद किया गया, 8 मिनट के बाद। चलिए ये दोनों बढ़िया क्वेश्चन थे, इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल यह है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट, 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं, एक अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखो इसमें खाली करने वाला भी पाइप ऐड हो गया, सी पाइप खाली करने वाला है जो कितने मिनट में खाली कर देगा, 30 मिनट में, 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, पहले ए और बी को खोला जाता है, उसके 7 मिनट बाद, उसके 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। चलिए भाई पहले पाइप ए भर सकता है टंकी को 36 मिनट में, फिर पाइप बी कितने 45 मिनट में, और पाइप सी जो खाली कर सकता है टंकी को 30 मिनट में। चलिए अब सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले एलसीएम लेना है, अब 36, 45 और 30 इन सब पर एलसीएम कितना आ सकता है, 180 लीटर, 180 लीटर आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। 36 पंजे ठीक है, 180 लीटर आ गया, 26 क्षमता निकाल लो, इसकी क्षमता होगी 5, इसकी क्षमता होगी 45 गुणी 90 मतलब 4, इसकी क्षमता होगी 6, सबकी क्षमताएं निकालनी। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले दो पाइपों को खोला जाता है, उसके 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, इसका मतलब यह हो गया ए प्लस बी दो पाइपों को 7 मिनट तक खोला गया, 7 मिनट में कितना पानी भर देंगे, 5 × 4 = 9, 9 × 7 = 63, इतने लीटर भर दिया। बताएं अगर इतने लीटर पानी भर गया, 10 में से 3 के साथ 117 लीटर अभी बाकी है। और इसके बाद क्या करेंगे कि एक पाइप सी जो खाली करने वाला वो भी खुल जाता है, ए प्लस बी माइनस सी, इसका मतलब क्या हो गया, 5 × 4 = 9 मिलकर भरेंगे माइनस के 6, तो इसका मतलब अब टंकी कितने रेट से भरी जाएगी, 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरी जाएगी। तो बताना टंकी को भरने में 117 लीटर की बची है, अभी 3 से भरेंगे, 3 × 3 = 9 ठीक है, अभी 2 बचे, 3 × 9 = 27, तो टंकी को भरने में कितने मिनट लग जाएंगे, अभी 39 मिनट ठीक है, टंकी को भरने में अभी कितने मिनट लग जाएंगे, 39 मिनट। क्यों, अभी 3 के रेट से भरी जा रही है, क्यों, एक पाइप जो खाली करने वाला है वो भी साथ चल रहा है, तो टंकी को 39 मिनट कह सकते हैं, या टोटल टाइम अगर निकालना हो, टोटल टाइम तो 39
और प्लस 7 मिनट, ये पहले चल गए दोनों 7, तो 39 और 7 मतलब कि 46 मिनट टोटल। ठीक है, ये आंसर होगा इसका, कोई सा भी आंसर हो वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखो जो पाइप जितने मिनट चलना है उसको उतना चलाओ, बाकी क्या करो, बाकी जो आगे जो पाइप ऐड हो रहा है उसे ऐड कर दो उसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवालों पर। चलिए भाई, इसमें सवाल है कि एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं, एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है, एक पाइप क्या कर सकता है 8 घंटे में पानी से फुल भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है, और दूसरा पाइप क्या कर सकता है इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। चलिए, अब इसमें पहले तो खाली करने वाला पाइप भी है, अब इसमें भरने वाला पाइप इसे भर सकता है कितने घंटे में, 8 घंटे में, और जबकि खाली करने वाला पाइप भी इसे खाली कर सकता है 5 घंटे में। तो टंकी की कैपेसिटी मान लो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 40, मान लो 40 लीटर की टंकी है तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, 8×5=40 और इसकी 5×8=40 ये होगी। अब वो कह रहा है कि यदि टंकी कितनी भरी हो, 3/4 भाग, तो एक बात बताना टोटल है टंकी 40 लीटर की, इसका कितना भाग भरा हो, 3/4 भाग भरा हो, तो इसका मतलब कितना हो गया, 30 लीटर भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाए, तो एक बात बताना ए माइनस के बी, इसका मतलब क्या है, ये 5 लीटर भरेगा वो 8 खाली करेगा, इसका मतलब किस रेट से खाली होगी टंकी, 3 लीटर पर आवर के रेट से खाली होगी, 3 लीटर पर आवर के रेट से खाली होगी। तो इस 30 लीटर की टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, क्षमता कितनी है 3 लीटर पर आवर, तो इसे खाली करने में टाइम जो लगा कितना हो जाएगा भाई, 10 घंटे। इस टंकी को खाली करने में लग जाएंगे आपको 10 घंटे। भाई उसने क्वेश्चन में कह रहा था अगर टंकी का 3/4 भाग ही भरा हो तो इसका मतलब 40 का 3/4 30 हो गया ना, 30 लीटर भरा है और इस रेट से खाली करनी, दोनों पाइप साथ चलेंगे जिसमें ए पाइप तो भरता है 5 लीटर और उसी घंटे में बी पाइप खाली करता है 8 लीटर, तो कितने के रेट से खाली होगी टंकी, 3 लीटर पर आवर के रेट से खाली होगी, तो खाली होने में लग जाएंगे पूरे भाई 10 घंटे। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल यह है कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए दो पंप लगे हैं, पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, पहला पाइप या पंप 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में, दूसरा पंप क्या 10 घंटे में, यदि दोनों पंपों को एक साथ चलाकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। चलो भाग पूछा है तो भाग हम बता देंगे आराम से, क्या है भाई, पहला टैंक भर सकता है 8 घंटे में, दूसरा भर सकता है 10 घंटे में, मान लो ए है 8 घंटे में भरने वाला, बी है इसको 10 घंटे में भरने वाला, क्षमता कितनी ले लें 40, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम बता चुका हूं, इफिशियंसी निकालना 8×40 और 10×40 यहां तक पहुंच गए। अब वो क्या कर रहा है, दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए, कितने घंटे तक, 4 घंटे तक चलाया जाए, तो इसका मतलब ए प्लस बी को अगर हम 4 घंटे तक चलाएं तो अपनी क्षमता 5×4=9, कितने लीटर पानी भर देंगे, 9×36 लीटर, 36 लीटर भर देंगे। तो अब मेरे से ये तो पूछा गया है तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा, कितना भाग टंकी का, एक बताना टोटल टंकी कितनी 40 और इसमें से भर कितना गया 36, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 से 4 नीम 36 और 4 एकम 4, इतना भाग
इतना भाग पानी से भर जाएगा, इतना भाग पानी से भर जाएगा। अब ये पूछे शेष भाग, शेष भाग पूछे तो 9/10 तो भर गया, तो इसका मतलब 1/10 का भाग खाली। कोई भी पूछे आप, भरा हुआ पूछे तो 9/10, खाली पूछे तो 1/10। तो आंसर क्या है इसका? आंसर भाई 9/10 भाग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। मतलब ए बी सी एक टैंक को 6 घंटे में भर रहे थे तीनों मिलकर, और 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, और ए बी सी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। ए बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं, तो अकेले सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय या कितने घंटे लगेंगे? चलिए सवाल यह है कि 3 पाइप ए प्लस बी प्लस सी भर सकते हैं 6 घंटे, तो इसकी क्षमता मैं 6 लीटर मान लेता हूं, तो इसका एफिशिएंसी कितना है? 1 लीटर का क्षमता आ गई 1। ठीक है, अब बताओ कि दोनों बस 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी, तो अब एक बात बताना, ए प्लस बी प्लस सी सारे 2 घंटे मिलकर चले और एक की क्षमता से कितना लीटर पानी भरेंगे? केवल 2 लीटर। अब 2 लीटर अगर भर गया तो शेष कितना बचा? 4 लीटर। शेष बच गया 4 लीटर। अब कह रहा सी को बंद कर दिया गया, अब सी को क्या कर देते हैं? बंद। सी को बंद कर दिया जाता है और ए भी शेष भाग को 7 घंटे भर देते हैं। इसका मतलब ए और बी पाइप शेष भाग जो 4 है उसको कितने घंटे में? 7 घंटे में भर देते। अब ये ए और बी की क्षमता कितनी होगी? इतने लीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कि अकेले सी द्वारा टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा, तो सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। अब सी की क्षमता कैसे निकालोगे? ए बी सी ए प्लस के बी प्लस के सी तीनों की क्षमता कितनी? 1, और इसमें से ए बी की कितनी है? 4/7, तो सी की कैसे निकालोगे? 1 - 4/7, तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 3/7 लीटर पर आवर। इसी क्षमता से सी क्या करेगा? टंकी को भर देगा पूरी कितने घंटे में? 3 × 6, और सी की वैल्यू होगी 7 × 14। कितने घंटे में भर देगा सी पूरी टंकी को? इस हिसाब से 14 घंटे। कितने? 14 घंटे। 14 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाई इस सवाल में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। तीनों मिलकर 6 घंटे में टंकी की क्षमता मान लो 6 लीटर, तो इफिशियंसी निकल के आई कितनी? 1 लीटर। अब तीनों ने मिलकर 2 घंटे तक अपनी क्षमता से भरा तो 2 लीटर भर दिया, 4 लीटर अभी शेष है। 4 लीटर क्या है? अभी शेष बचा है। अब वो कह रहा है इस समय सी पाइप को बंद कर दिया जाता है, सी पाइप को हमने बंद कर दिया। चलो बंद करने के बाद ए बी ने क्या किया? जो 4 लीटर की टंकी शेष बची थी उसे 7 घंटे में भर दिया, तो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई? 4/7 लीटर पर आवर। अब कह रहा है कि अगर सी पाइप से पूरी टंकी को भरा जाए तो सी की क्षमता चाहिए, सी की क्षमता कैसे निकालोगे? अगर तीनों की 1 है और ए बी की कितनी है? 4/7, तो सी की क्षमता कितनी होगी? 3/7 लीटर पर आवर। और इसी क्षमता से अगर सी भरेगा तो कितने हैं? 14 घंटे लग जाएंगे भरने में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 घंटे। चलिए भाई इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस वाले टॉपिक का। ठीक है, फिर ये आपका टॉपिक हो जाएगा पूरी तरह खत्म। और लास्ट क्वेश्चन इसका ये है कि पाइप ए टैंक को 12 घंटे में और पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है,
एक तीसरा पाइप से टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप पूछे जाते हैं। ए पाइप 12 घंटे में, बी पाइप 8 घंटे में, और आपके सी ये खाली करने वाला पाइप है 15 घंटे में। चलो सबका एलसीएम लो, कैपेसिटी पता चल जाएगी कितना, 120। आप प्रैक्टिस करोगे तो एलसीएम लेने आपको याद हो जाएंगे डायरेक्ट। 12 से भाग देंगे तो क्षमता निकलेगी 10, 15। सबकी क्षमताएं निकाल ली। अब वो कह रहा है सबसे पहले कि सारे पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 5 घंटे में, कितने घंटे में, 5 घंटे में कितना भाग भर जाएगा। तो सारे पाइपों को अगर एक साथ खोले भाई, देखना ए भरेगा 10, बी भरेगा 15 और सी भरेगा खाली 8। कितना हो गया, 25 माइनस के 8। इसका मतलब किस रेट से भरा जाएगा, 17 लीटर पर आवर। अब 17 लीटर पर आवर के हिसाब से कितनी देर चले सारे, इतनी क्षमता से अगर 5 घंटे चला दिए जाए तो 17 बन जाए 85 लीटर, इतने लीटर पानी भर जाएगा। ठीक है, इतने लीटर पानी भर जाएगा। अब ये तो पूछा कितना भाग भर जाएगा, तो कितना भाग भर जाएगा टंकी का, टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 120, इसमें से कितने 85। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 5 से कितना 17, 5 से कितना 5 10 24, इतना भाग पानी से भाई, इतना भाग भर जाएगा पानी से। अब इस टाइप के मैंने दो क्वेश्चन करा दिए, अगर खाली पूछे कितना खाली रह जाएगा है, तो कितना खाली रह जाएगा, 24 और 3, मतलब कि 7/24। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 17/24। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका लास्ट, ठीक है, फिर ये हो जाएगा टॉपिक आपका पूरा। चलो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन और, उसके बाद भी ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। चलो इसे मिटा देता हूं और एक और क्वेश्चन, देखो क्या है, कह रहा है एक खाली हौज को भरने में दो पाइप ए तथा बी 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे, तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करे, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखो सवाल यह है कि ए पाइप भर सकता है टंकी को 60 मिनट में, जबकि बी भर सकता है 40 मिनट में। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम लेना, कितना आ सकता है भाई, 120, इतने लीटर क्षमताएं निकालना, 60 दुनी 120 और 40 दिया 120, क्षमताएं पता चल गई। अब क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि आधा समय तो बी काम करे और आधा समय ए और बी दोनों काम करे, तो यहां पे आपको याद रखना आधा समय से क्या मतलब है, आधा समय कह रहा आधा समय बी काम करे और ए प्लस बी आधा समय काम करे, तो आधे समय से मतलब आधी क्षमता से काम करे, तो बी अगर आधी क्षमता से काम करेगा, इसकी पूरी क्षमता 3 है, तो इसका मतलब 3 का आधा 1.5, ए प्लस बी आधी क्षमता, दोनों की क्षमता कितनी है 5 और 5 की आधी क्षमता कितनी बैठती है 2.5, तो कितना हो गया 2.5 और 1.5 3 4 4 लीटर पर मिनट की क्षमता से काम करें, तो पूरी टंकी 120 लीटर की इस हिसाब से कितने मिनट बढ़ जाएगी, 4 3 12, कितने मिनट बढ़ जाएगी, 30 मिनट। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 30 मिनट। देखो कुछ नहीं, आधा समय से मतलब है कि आधा समय बी काम करे, आधा समय ए और बी दोनों, आधा समय से मतलब है अपनी आधी क्षमता से काम करें, तो B की क्षमता 3 तो आधी का मतलब 1.5, और A प्लस B की दोनों की क्षमता 5 तो आधी का मतलब 2.5,
इन दोनों को जोड़ेंगे 4 लीटर पर मिनट हो गया, ठीक है। इस 4 लीटर पर मिनट की क्षमता से 120 लीटर की टंकी को भरने में 30 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। चलिए आज ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है पाइप एंड टंकी का। इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस करो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां कमेंट कर सकते हैं, कमेंट से हम देख लेंगे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो नए वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।